अब मैंने एक सवाल ऐसा करना है जिसमें आप लोग चाहने के बावजूद भी इख्तलाफ कर नहीं पाएंगे भाई, वो है भारत के कप्तान धोनी से मुताल्लिक। हमें हर मुल्क के अपने अपने नजरियात का एहतराम है, हर मुल्क के झंडे का अपना एहतराम, सब कुछ है, लेकिन ये क्या है कि वो मतलब कोई का दिमाग खराब हो गया, क्या हो गया है? वो धोनी साहब पहले जो है वो टोपी छोपी पहनकर आ गए थे, अब ये अपने ग्लव्स में एक ऐसा साइन जो जिससे वो भारतीय फौज से इजहार एकजहती कर रहे हैं, वो धोनी साहब पहनकर आ गए, जिस पर अब ऑफिशियली शुक्र है आईसीसी को भी कुछ ख्याल आया। आईसीसी ने रिक्वेस्ट किया बीसीसीआई से कि भाई इसको आप उतरवाएं, एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इंडियन चैनल्स पर ट्रांसमिशन शुरू हो गई है कि धोनी इसको मत उतारना, ये हमारे मुल्क की आन है, ये हमारे फौज की जान है, और ये क्या तमाशा हो रहा है? ये कोई सीरियस टीम है क्रिकेट की है, क्या है, क्या हो रही है? वसीम भाई, धोनी को ये निशान हटाना पड़ेगा। अच्छा, कोई और चारा नहीं? अगर वो ये निशान नहीं हटाएगा तो खुद हटेगा। इसका मतलब ये कि बीसीसीआई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत आईसीसी से, और लगाया क्यों? ये क्या माइंडसेट है? आईसीसी को माफी चाहता हूं, आईसीसी को रिक्वेस्ट थोड़ी करनी चाहिए थी, ऑर्डर करना चाहिए था कि हटाओ, क्योंकि और टीम होती तो ऑर्डर ही होता मेरा ख्याल। 100% हाशिम मामला को ऑर्डर ही हुआ था ना, रिक्वेस्ट तो नहीं हुई थी। 100% ये अगर आईसीसी ने रिक्वेस्ट करी है तो मेरी नजर में आईसीसी का फेल है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये लोग ये शो कर रहे हैं कि बीसीसीआई जो ज्यादा पावर में, क्योंकि जब ये तो ऑलरेडी शो कर भी चुके हैं ना, कर भी चुके, जब 9 टीमें दो दो मैच खेल चुकी, उसके बाद भारत का पहला मैच शुरू हुआ है वर्ल्ड कप में। ये अब सोचने वाली बात है ना कि इतनी देर से आपका मैच क्यों हो रहा है।